मुझे तो इस टाइम बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, तो मेरे हस्बैंड को भूख लगना शुरू हुई तो भाई नाश्ते में चाय और बिस्किट ले लिया था, क्योंकि और सब चीज़ें तो मैं पैक कर चुकी हूँ, किचन नीट एंड क्लीन, आखिरी चाय के बर्तन भी धो के रख दी है और अब बारी है बैग्स को नीचे ले जाने की। लेकिन मेरे पास फिर कुछ सामान है जो इसके अंदर फिक्स नहीं हुआ है, एंड टाइम पे मुझे याद आया है और इसके अब ताले शाले खोले हैं। दोबारा इसको मैं फ़िक्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले फ़िक्स कर दूँ, वरना थोड़ी सी डांट तो पड़नी बनती है। खैर एक हाथ से मुझे फ़िक्स तो हो ही नहीं रहा था, तो मैंने मोबाइल रखा साइड में और इसको अंदर ठूसा और जल्दी जल्दी मैं बैग बंद कर रही थी, पर इसी दौरान मेरे हस्बैंड आ चुके थे और उन्होंने देखा मैं क्या कर रही हूँ। खैर उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, ताला लगा दिया और एक ये ताला है जो कि हमसे टूट नहीं रहा है, इसकी चाबी खो चुकी है। अगर किसी को तोड़ने का तरीका पता हो तो वो भी बता सकता है। चाबियां लेके अंदर चलना है, 4:30 हो चुके हैं और हमें तकरीबन 5 बजे तक निकलना है, तो इसको हम जल्दी से हैंड बैग में रखते हैं। पहला बैग नीचे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरा बैग साथ ही ले जाएंगे क्योंकि मैं तो उठाऊंगी नहीं, हस्बैंड नहीं उठाना है। टाटा बाय बाय। फाइनली घर से निकलने की घड़ी आ गई है और जाते जाते मुझे बिल्लो रानी नज़र आ गई है और मैं उसको बोल रही हूँ मैं जा रही हूँ, तो ये भी म्याऊं कर रही थी, मतलब वो भी अल्लाह हाफिज़ कह रही है। इनसे भी मिल चुके हैं और अब चलते हैं सुनसान रोड पे। फिलहाल ये सुबह के 4:45 हो रहे थे, तो अब ये सुबह है या रात पता नहीं, लेकिन 14वीं का चांद तो जोरों शोरों से निकला हुआ था, इतना खूबसूरत चांद लग रहा था ना कि बस ना पूछे। झटपट एयरपोर्ट के चेक पोस्ट के पास आ गई, पहले ये चेक पोस्ट हुआ करती थी लेकिन अब बंद है, लेकिन खूबसूरत बहुत लगती है तो इसलिए वीडियो ज़रूर बनाई। और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, यहाँ से आपने टिकट लेना है और अर्ली आपको चार्जेस देने होते हैं, वो मुझे नहीं पता इसलिए पूछिएगा नहीं प्लीज़। खैर मुझे ये रोड ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आप अपनी ड्राइविंग बहुत अच्छे से सीख सकते हो इस खाली सुनसान जगह पे। मैं ट्रॉली ले आई थी और हस्बैंड गाड़ी में से सामान उतार रहे थे और हम चलते हैं टर्मिनल में। बेसिकली मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 4 से थी जो सऊदी अरब में न्यू टर्मिनल स्टार्ट हुआ है, इसको ही हमने 5 मिनट तक ढूंढा था। अगर जिसको नहीं पता बिल्कुल एंड में जाइएगा, कोने में आपको मिलेगा ये, यहाँ से तो फिलहाल खाली है। हाँ लेकिन टर्मिनल 3 से भी आप एंटर हो सकते हो, क्योंकि मुझे वहाँ खड़े होकर देखा इधर उधर तो आइडिया हुआ था कि अगर हम टर्मिनल 3 से भी एंटर होते हैं तो हम टर्मिनल 4 पर पहुँच जाएंगे। फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है, बड़े न्यू एरिया बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था और हम अपना बैग सबमिट कर रहे हैं, फर्स्ट बैग सेकंड बैग और टाटा मिलते हैं कुछ घंटों बाद। इस टाइम पे सिर्फ दिल में ये चल रहा होता है जल्दी से लगेज क्लियर हो जाए, वेट ज़्यादा ना हो बस। और फाइनली हमारा लगेज क्लियर हो चुका है, एयरपोर्ट देख लीजिए कितना साफ सुथरा नया एयरपोर्ट है, फुटबॉल की तो यहाँ शैदाई चल रही है फीफा। खैर उसके बाद मैं अपनी सारी सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं अपना गेट नंबर चेक कर रही थी और उसके बाद मैं अपने गेट पे पहुँचूंगी। लेकिन भाई अभी मेरी फ़्लाइट में तकरीबन 1.5 घंटा है तो मैं वहाँ बैठ के क्या करूँगी, तो इसलिए नमाज के भी टाइम है तो मैं पहुँच गई हूँ भाई प्रेयर रूम में। यहाँ पे आराम से आप रिलैक्स हो सकते हो, तो सबसे पहले अपने शूज़ आप एक अच्छी जगह पे रख दीजिए और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कोई आपके शूज़ लेके नहीं जाएगा। और भाई अंदर आए तो बहुत सारे लोग थे क्योंकि फजर का टाइम था, तो सब ने फजर पढ़ी और सब जा चुके थे और मैं यहीं लेट गई थी और अब पूरी मस्जिद हो चुकी है खाली, मैं और एक और लेडी लेटी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद भाई हमें बहुत शदीद भूख लग रही थी तो हमने लिए अपने शूज़ और हम बाहर की तरफ चल दिए हैं। खाने के ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ सबवे था और यहाँ कैफ़े हैं जिनके सैंडविचेस ले सकते हो, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इसलिए मैंने मैंगो जूस लिया था इस कैफ़े से। और अब मेरा बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं चाह रही थी किसी विंडो के पास जाके बाहर के नज़ारे देखने के, लेकिन बहुत दूर दूर विंडो थी तो मैं वहीं से यू टर्न लेके अपने गेट के पास आ गई हूँ। कराची की फ़्लाइट 7:05 पर, लेकिन हम बिल्कुल 7:05 पर नहीं चले थे, अभी भी रश कितना है बोर्डिंग पे। थोड़ी देर बाद मैं भी लाइन में लग गई थी क्योंकि थोड़े से लोग रह गए इससे पहले कि मुझे हबड़ तबड़ में भागना पड़े, तो लाइन में लग जाइए, बाहर के नज़ारे भी देखते रहो। और ये है हमारा जहाज़ जिसमें अंदर भी अब बहुत लंबी लाइन है, स्लो अंदर सब जा रहे होते हैं क्योंकि गेट पे भी चेकिंग होती है, जहाज़ के गेट पे भी आपकी लगेज चेक होता है, हैंड कैरी सब कुछ चेक करवा के जहाज़ के अंदर एंट्री हो चुकी है। बेबी स्टेप्स अभी भी हमारे चल रहे हैं और हम चलते चलते पहुंच जाएंगे अपनी सीट पे। मैं स्पेशली एक दिन पहले बोर्डिंग ले लेते ताकि मुझे विंडो सीट मिल जाए और आज विंडो की ये हालत थी, इतना फॉग हुआ हुआ था, मुझे लग रहा था कि बस भाई अब तो गई नज़ारे। खैर सब लोग जगह पर बैठ चुके हैं और अब जहाज़ थोड़ी देर में ही हमारा चलना शुरू हो जाएगा। लीजिए हमारा जहाज़ चल गया है और इसी दौरान आया है मच्छर, इसकी 2 छोटी-छोटी आँखें साफ नजर आ रही थी और मैं सोच रही थी जब जहाज़ उड़ेगा तो उसका क्या हाल होगा।
सऊदी एयरलाइन में सफ़र की दुआ और उसके बाद एक दुआ भी पढ़ाई जाती है। और हमारा जैसे ही जहाज़ चला, मेरी विंडो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती चली गई और कितना साफ सुथरा बाहर का नज़र आ रहा। मैंने इतनी दफ़ा ट्रैवल किया है पर ये प्राइवेट जेट मैंने एयरपोर्ट पर फर्स्ट टाइम देखा है। छोटू सा जहाज़ इतना क्यूट लग रहा था और इतनी स्पीड में बेचारा जा रहा था और हमारे ही आगे खड़ा था। पहले ये फ्लाई करेगा, उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। लाइन से खड़े हुए होते हैं जहाज़, एक एक करके टेक ऑफ हो रहे होते हैं। ये देखिए, हम यहाँ से मुड़ेंगे और सामने ही एक और जहाज़ खड़ा है, हमारे पीछे भी एक और खड़ा हुआ है। हमारी टेक ऑफ के बाद उसकी बारी आएगी। इसी तरह हमें करते करते बहुत देर हो चुकी थी। टेक ऑफ हमारा 7:30 बजे हुआ। 7 बजे की फ्लाइट में आधा घंटे हमें टेक ऑफ में ही लग गया था। खैर, ये मंजर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप लोग भी इंजॉय कर लें। क्लाउडी वैसे 2-3 दिन से हो रहा है सऊदी अरब में, तो जब हम जहाज़ में ऊपर आ चुके हैं तो नीचे ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था रुई बिछी हुई, और इतना खूबसूरत था ना, मैं आधे पौन घंटे तक सिर्फ ऐसी खिड़की पर लटकी हुई थी, बादल देख रही थी। उसके बाद हमें ये पेपर्स मिल गए थे जो हमें कोरोना के टाइम पे भी मिल रहे थे और अभी भी मिल रहे हैं। इसमें आपको लिखना होता है आपको नज़ला खांसी कुछ है या नहीं, या किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल किया है, तो बस वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आ जाती है खाने की बारी। 2 होस्टेस थे जो हमें खाना सर्व कर रहे थे, एक ने कहा फोल और बतातस मीन्स पोटैटो, और एक ने कहा कीमा और बतातस। तो मैंने कीमा बोल दिया था लेकिन हमें मिला ये बतातस ही था, क्योंकि हमेशा 2 ही ऑप्शन होते, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। उस होस्टेस को भी पता नहीं था कि कीमा है या नहीं है। खैर, मैं अपना फिल्म देखते हुए खाना इन्जॉय करूँ। इस टाइम मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी कि ये ब्रेड है सूखी हुई, ये भी मुझे बहुत मज़े की लगी। और हाँ, ये सॉर क्रीम के साथ ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद भी हम फिर दोबारा खिड़की पर आ गए हैं, बादल ख़त्म हो गए तो ये पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं सिर्फ इसी वजह से विंडो सीट पहले से बुक करवाती हूँ, क्योंकि मुझे सब व्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं सब ये इन्जॉय करते हुए जाती हूँ। देखिए, सामने समंदर है और साथ में पहाड़ है, पूरा सफ़र मेरा इसी व्यूज़ में गुजरा। और अब वेलकम टू कराची। ये भाई कराची सिटी का ऊपर से मनाजिर है, ये ऊपर से सारा मंजर नज़र आ रहा है। कुछ ही देर में हम लैंड हो जाएंगे। लैंड होने से पहले हमने पूरा एक यू टर्न लिया था, बाकायदा फील हो रहा था हमें यू टर्न में। और जब देखें स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि पूरा प्लेन ने यू टर्न लिया है। और अब है लैंडिंग टाइम। लैंड होने के बाद फिर दोबारा हमें यू टर्न लेना है। हम यू टर्न ले लेके घूम रहे थे। मुझे तो सारा रास्ता समझ आ गया है सऊदी अरब से कराची का। अब नेक्स्ट पायलट मुझे बना दीजिए, मैं जहाज़ उड़ा सकती हूँ और जितने भी मुसाफिर हैं वो अपनी गारंटी पे बैठेंगे, मेरी गारंटी पे नहीं। हम फाइनली कराची पहुँच चुके हैं और बस ये हल्के हल्के स्लोली ट्रॉली खिसकती हुई हमारी
प्लेन के दरवाजे पर आएगी और फिर हम इसी के थ्रू अंदर जाएंगे एयरपोर्ट में। और एज यूजुअल सब लोग खड़े हो चुके हैं और अभी तक उनको पता ही नहीं कि गेट के पास खुलने का आसरा ही नहीं है। खैर गेट खुल चुका है और अब हम बाहर आ गए हैं। आज मैं भी जल्दी उठ गई थी वरना मैं सबसे एंड में आती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी बाहर आना था, इमिग्रेशन जल्दी करवानी थी इसलिए। और आज इमिग्रेशन में इन्होंने भी ये रेड रेड पट्टियाँ लगाई हुई हैं, आपको यहाँ पर भी भूल भुलैया की तरह गुजरना पड़ता है। इमिग्रेशन डन हो चुका है और अब करना है बैग का वेट। हमने सबसे पहले ट्रॉली ली और मेरा एक बैग आ चुका था जबकि किसी का कोई बैग नहीं आया। मेरा एक बैग इस बार पहली दफ़ा जल्दी आया और दूसरा बैग का बहुत टाइम इंतज़ार किया एंड फाइनली दोनों बैग्स आ चुके हैं। एंड सेलिब्रिटी की फीलिंग्स के साथ मैं बाहर आई क्योंकि इतने लोग खड़े होते हैं, ऐसा लगता है अब कोई ना कोई ऑटोग्राफ लेने आ ही जाएगा। देन वेलकम टू कराची द पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा आज मुझे पहली दफ़ा पीली टैक्सियाँ इतनी सारी एक साथ नजर आई हैं एयरपोर्ट पे ही, क्योंकि पहले कभी मैंने एयरपोर्ट पे तो पीली टैक्सी देखी ही नहीं, बाकी सिटी में भी इतनी पीली टैक्सी तो कभी नहीं मिली, वरना तो ब्लैक और पीली होती है। अब मसला ये है कि हम कराची तो पहुंच चुके हैं लेकिन मैं यहाँ पे कोई व्लॉगिंग नहीं कर सकूंगी क्योंकि भाई इतनी चोरी चकारियों का सुन चुके हैं ना कि अब बहुत डर लग रहा है कि यहाँ पे व्लॉगिंग नहीं हो सकती। खैर जैसा भी होगा, जब भी कोई व्लॉग होगा मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अब मुझे सिर्फ रेस्ट करना, बहुत नींद आ रही है। मिलते हैं फिर कभी किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।